का किचन और आज फिर हाजिर है बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी क्या है अमित जी से पूछते हैं। अमित जी जी आज हम क्या बना रहे हैं? बेसन का नान। बेसन का नान, बहुत ही मज़ेदार सा हम बेसन का नान बनाने जा रहे हैं। उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? एक कप बेसन लेंगे, दो मीडियम चॉप प्याज जिसे हमने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है, एक लार्ज आलू जिसे बहुत बारीक चॉप कर लिया है, दो ग्रीन चिलीज जिन्हें हमने बारीक चॉप कर लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून धनिया और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा जिसे हमने क्रश कर लिया है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 कप हरा धनिया। अब हम सबसे पहले बेसन का बैटर रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आलू लेंगे, एक प्यारे से बर्तन है, बर्तन में हमने आलू ले लिए हैं। अब हम प्याज डालेंगे, रेड चिली पाउडर, नमक, नमक और मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कसूरी मेथी, क्रश सूखा धनिया, क्रश ज़ीरा, ग्रीन चिलीज, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, साथ ही हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हसब ज़रूरत पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बेसन का बैटर रेडी हो गया है। मैंने ये 5 नान के लिए तैयार किया है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से तमाम इंग्रेडिएंट्स की मकदार रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन का नान बनाने के लिए हमने एक तंदूरी रोटी ली है। इसे हम पिछली साइड से गीला कर देंगे, सिर्फ एक ही साइड को गीला करेंगे, इससे ये बहुत सॉफ्ट होगा। अगली साइड इसलिए गीली नहीं करेंगे वरना बैटर अच्छे से लगेगा नहीं। अब हम इस पर बेसन का बैटर अप्लाई करेंगे और बहुत ज़्यादा मिकदार में ये नहीं डालिएगा, इससे ये ओवरलोडेड हो जाएगा और फिर ये ख़राब हो जाएगा। ओवरलोडेड नहीं कीजिएगा ये, वरना ये गिर जाएगा बैटर। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। प्यारे से पैन में हमने घी लिया है, घी अच्छे से गर्म हो गया है तो हमने इसमें नान डाला है और इसे मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। बेसन वाली साइड अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैटर चिपक जाए और फिर साइड चेंज करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। मज़ेदार सा नान तैयार है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, रेडी हो चुका है। माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बेसन के नान तैयार हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बहुत ही इजी रेसिपी है, मैं रेकमेंड करती हूँ आप सबको, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।